अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, सुनाए कैसे हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग के लिए पहले तो सॉरी करूँगा क्योंकि मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं बना सका। दूसरा, कैमरे के रिजल्ट भी नहीं जाना क्योंकि इस दफ़ा जो कैमरा है ना वो छोटा है। दूसरा है, ये 720 और 1080 पिक्सल में था। तो और आज का व्लॉग कुछ ऐसा है ना कि मैं जा रहा था कश्मीर, तो मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों को, अपने भैयों को जो है ना कश्मीर के थोड़े से सीन दिखाए जाए। तो अभी सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 5 और ये हमारा सामान है। और अभी जो है ना सीन्स कुछ ऐसे हैं कि नाश्ता कर लूँ और ये सामान जो कह रह गया ये सामान में डाल लूँ, फिर जो है आपसे जो है ना रास्ते में मिलूँगा। अच्छा दोस्तों, अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो सुबह के बज रहे हैं 6। तो मौसम भी ठंडा है लेकिन ये लातराट की रोड बेस्ट है सुबह के सफ़र के लिए, ना ट्रैफिक का शोर ना कुछ। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं ज़रा ट्रैफिक नहीं है। और दूसरा यार, ये आड़ी क्वालिटी कोई खास नहीं होगी, देखभाल करते रहना। यहाँ पे आज़ाद पतन के पास पहुँच के हमें थोड़े से रोशनी का आसरा हुआ और फिर मौसम भी जो था वो भी जो है ना थोड़ा ठंडा हो रहा था, बादल हल्के हल्के छा रहे थे। लेकिन कश्मीर तो जाना है भाई, रोक तो नहीं सकते। हमने अपना सफ़र कंटिन्यू रखा और रोशनी बढ़ती जा रही थी और हम अपने सफ़र के मुकाम के पास पहुंच रहे थे। हमने पहले यहाँ से जाना था रावलाकोट, कोहटा से रावलाकोट, रावलाकोट से बाग। लेकिन हमें सुबह फर्स्ट टाइम पहुंचना था रावलाकोट शहर में और सूरज भी हल्का हल्का निकल रहा था, तो हमने जल्दी जाने में फियत समझी क्योंकि भाई आगे 3-4 गांव एक ही दिन में घूमने, तो उस लिहाज से हमें जल्दी जाना पड़ा। अगर आप लोगों ने भी कहीं पर जल्दी जाना हो तो कोशिश करो कि यार जल्दी से जल्दी निकलो। और हम लेट स्टार्टिंग पार करके हम आज़ाद पतन के पुल पे पहुँचे और चाइनीज अभी बना रहे हैं न्यू पुल, नया पुल यार। तो नया पुल के खासियत ये है कि भाई वो इससे ज़्यादा मजबूत होगा, ये बहुत हिलता है। और यह है कि चाइनीज़ का जो काम है उसे भरोसा भी है, पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। मैं पाकिस्तानियों को मेंशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनको मेंशन कर रहा हूँ जो दो नंबर से माल खाते हैं। तो भाई प्रोटोकॉल है, मानना पड़ेगा प्रोटोकॉल है। हमारा नहीं यार, कोई आया था बड़ा चेयरमैन होगा, कोई कुछ होगा, बड़े अहदेदार लोग हैं। तो उम्मीद करते हैं यार हमें भी ऐसे प्रोटोकॉल मिलेगा। प्रोटोकॉल ख़त्म हो तो फिर आगे देखते हैं। गुजर जाओ यार, कितनी गड़ियाँ ने हाय रब्बा। बस इसके बाद मेरे आखिरी होगी। तो दोस्तों हमने अपना सफर रवाना रखना शुरू कर लिया और आपसे गुजारिश है कि भाई आगे तकरीबन 8 वीडियोस और अपलोड करूँगा कश्मीर व्लॉग्स की, वो भी आप देखते रहें। और जिन जिन दोस्तों ने भाई बाग तक जाना है तो मेरी इस वीडियो को देख लें। तो जिस कोस्टर पे मैं गया था वहाँ पे आपको भाई अपनी पसंद की सीट मिल सकती है। जिस दिन जाना है उस दिन रात को 7-8 बजे, उससे एक दिन पहले रात को आप बुक करवा लो, कोई मसला नहीं है, आपको सीट मिल जाएगी। कोस्टर भी साफ सुथरी है, वीआईपी कोस्टर, गर्मियों में एसी वगैरह लगे हुए, कोई मसला नहीं है।
इस ट्रक का रंग मुझे बड़ा पसंद आया भाई, मुझे ट्रक भी बड़े पसंद होते हैं। मैं खुद ट्रेलर चलाने का शौकीन हूँ, घर वाले नहीं मानते यार। कलर चेक करो, कलर मुझे बहुत पसंद आया। और काश मेरे पास 4K कैमरा होता, मजा आ जाता। कश्मीर का झंडा हमेशा फ्रंट पे, और आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे फ्रीज एक किया ये कि आप जहाँ पे भी जाएंगे आपको ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी पड़ेगी। ये अभी हम रावलकोट शहर के और पास पहुँच चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को जो है ना वीडियो पसंद आएगी। अच्छा दोस्तों, ये पॉट जा रही है तो ये मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि ये भी मेरे फेवरेट गाड़ी में से एक है। इसके आगे से फ्रंट जो है मुझे पसंद है। तो वैसे भी हम रावलकोट शहर के अंदर इंटर हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको पाल वैली मिलेगी जहाँ पे आपको जो है ना कुदरत के हसीन मनाज़र नजर आएंगे। तो जिस जिसने रावलकोट आना है तो मैं उसे सजेस्ट करूँगा रावलकोट में निर्गोला वाटरफॉल। तो आप वैसे बोर्ड भी मिल जाएंगे, अगर बोर्ड ना मिले तो मैं आपको उसी तस्वीर फ्रीज करके दिखाता हूँ, आप वो पिक्चर देख लें। तो ये है निर्गोला वाटरफॉल, यहाँ पे आपको झूले भी मिलेंगे, शारदा, शादारा, इस्लामाबाद पार, नरान जैसे जो पार्क है जहाँ पर पानी बहते हैं नीचे आगे, पानी में रेस्टोरेंट बने हुए, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ पे आप जाके आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर 300-350 रुपये लगते हैं कोहुता से यहाँ तक का। तो आप आए, ज़रूर आए, विजिट करें, मुझे पता है आपको जगह बहुत पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा ये अभी हम पहुंच गए इधर रावलकोट पहुंचे हैं और बाघ के अड्डे में आए हैं ना। तो अभी थोड़ी सर्दी ज़्यादा है इधर, तो ये बाघ के अड्डे में थोड़ा सा ये तो अभी क्योंकि इसका जो है ना बैटरी लो है कैमरे की, तो मैं इधर शॉप पे देखता हूँ चार्जिंग को लगा दूँ थोड़ी देर तक जब तक गाड़ी चलती है, तो फिर जो है ना आगे चल के आपको क्या सीन दिखाएंगे और बात करते हैं। मुझे रावलकोट के टोटे में साइड वाली सीट मिली थी जो कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ पे मुझे बेहतर लगा, जहाँ पे मुझे लगा 60-86 थे, मैंने फिर वहीं से शूट करना शुरू कर लिया। ये कश्मीर के मकान और दुकानें आप देख लो, बाकी वही पीले दर्द पत्ते। तो दोस्तों ये अभी हम बाग शहर के पास पहुंच चुके हैं। ये नाला माल है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़ी है, लंबाई का हिसाब नहीं है। तो ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है साइड वाला, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैं इस ब्रिज से हम गाड़ी पे गए थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान और चाइनीज़ का आपस में जो मुलाकात हुई, तावन हुआ, ये पुल बन गया उसके बाद। तो अब इससे चलते हैं। ये आप देख लो, ये कोई छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा ब्रिज है। और ये ब्रिज जो पीछे नज़र आया था, ये वो ब्रिज नहीं है, ये दूसरा वाला। ये मस्जिद है, ये मस्जिद तुर्की मस्जिद बाग स्टेडियम, इन तीन का व्लॉग मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। इस दफ़ा मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ना वापसी पे ना जाते वक्त, तो
दोस्तों अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो सब देखते रहना, शेयर करना दोस्तों में ताकि उन्हें भी जो है ना बाग आज़ाद कश्मीर की थोड़ी सी फीलिंग आ सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ना भी करो यार कोई मसला नहीं, आप लोगों की मर्जी है। ऐश करो, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।